all are doing good, thanking God for this beautiful day God has added into our lives. So last week में हम लोगों ने chapter 9 जो है पूरा complete कर लिया, theory of DBMS, ठीक है, database management system या database concepts. Now today in this video we will go through like 10 chapter भी हम complete करने की कोशिश करेंगे, but complete नहीं हो पाएगा I guess, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा chapter है और इसमें भी थोड़ा सा थ्योरी है. हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, मतलब लाइक कीवर्ड्स और की पॉइंट्स पढ़े थे, ठीक है. अभी इस वाले जो चैप्टर में, दैट इज़ चैप्टर 10 के अंदर आपका माई एसक्यूएल और एसक्यूएल के बारे में, दैट इज़ स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज. अभी हम लोग कुछ ऐसा सीखेंगे कि हम प्रैक्टिकली उसे कैसे करते हैं. तो आज हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन उसका लेंगे और कैसे इसका सॉफ्टवेयर आप अपने सिस्टम पर इंस्टॉल कर सकते हो वो मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूँगी. प्लस एक छोटा सा असाइनमेंट भी है, असाइनमेंट नहीं, इट इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर प्रैक्टिकल पोर्शन, दैट इज़ आपको 7 मार्क्स का एक प्रैक्टिकल रिकॉर्ड बनाना होता है, ठीक है. आपका 18 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, रिटन एग्ज़ाम जो फाइनल एग्ज़ाम होगा, ठीक है, उसका उसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे. बट येस, 7 मार्क्स का आपका जो है प्रैक्टिकल रिकॉर्ड है, जिसमें आपको 14 पाइथन के प्रोग्राम्स और मिनिमम 14 पाइथन के प्रोग्राम्स और मिनिमम 14 एसक्यूएल क्वेरीज करनी है. तो एसक्यूएल के लिए अभी टाइम है, एक साथ मैं आपको दूंगी तो आपको बहुत बर्डन हो जाएगा, इसलिए 14 जो है प्रोग्राम्स हम लोगों को पाइथन के करने हैं. आप चाहिए तो आप खुद के भी चूज़ कर सकते हो, बट टू फॉर गेटिंग इनटू लाइक थोड़ा सा फॉर्मेटिंग में चलने के लिए मैं आपको असाइन करूँगी. सो आपके सिलेबस के अंदर 12 to 14 प्रोग्राम्स ऑलरेडी दे रखे हैं, तो उनमें से अगर आप करेंगे तो इट विल बी क्वाइट बेटर, ठीक है. सो मैं आपको एंड ऑफ द वीडियो जो है इसको क्वेश्चंस को भी शेयर करूँगी. आपको उनमें से सारे क्वेश्चंस ट्राई करने हैं जितना हो सके. आई एम नॉट फोर्सिंग यू कि आप पूरा जल्दी से इस वीक में ही कम्प्लीट करके शेयर करो, बट जितना आपसे हो सके उतना करें. बट येस, टर्म टू का प्रोजेक्ट भी मुझे देना है. तो मेरा टर्म टू का प्रोजेक्ट भी कुछ यही होगा कि आप मिनिमम 1, 2, 3 और 4 नंबर्स, मैक्सिमम मिनिमम 4 जो है प्रोग्राम्स आप मुझे करके क्लिक करके भेजें. तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग इनटू दिस अलग से कॉपी में लिख के आप मुझे क्लिक करके भेजें, आप डायरेक्टली एक प्रैक्टिकल रिकॉर्ड खरीद लें. प्रैक्टिकल रिकॉर्ड खरीदने के कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं. प्लीज़ डू नॉट बाय बिल्कुल छोटा वाला और पतला वाला जो प्रैक्टिकल रिकॉर्ड, ऐसा नहीं खरीदना है. नॉर्मल जैसे आप फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के लिए यूज़ कर रहे हैं प्रैक्टिकल रिकॉर्ड, ज्योमेट्री की बुक आती थी वंस अपॉन ए टाइम इफ़ यू रिमेंबर, उतना मोटा वाला एक प्रैक्टिकल रिकॉर्ड खरीदना है. उसके अंदर आपको बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से इंडेक्स्ड प्रॉपरली जो प्रोग्राम्स है, हमेशा लाइन वाला पोर्शन होता है वहाँ पे आपको कोडिंग लिखनी होती है, उसके जस्ट नीचे आउटपुट लिखना होता है. अगर आपका कोड बड़ा है, वैसे तो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, अगर बड़ा है तो यूज़ द नेक्स्ट पेज, ठीक है. वाइट पेज पे आप कुछ नहीं लिखेंगे, कोई डायग्राम्स कुछ बनाना है नहीं हमको, तो जो लाइनिंग वाला पेज है उसी के अंदर आपको सारी कोडिंग लिखनी है. मेक श्योर कि आपने कोड लिखा, आपका उसका कोड का आधा पोर्शन नेक्स्ट पेज में आ रहा है, तो जस्ट डन इट. उसके बाद जो नया प्रोग्राम है वो नए पेज से शुरू करें, ठीक है. तो इस तरीके से मिनिमम 14, ठीक है, आप उससे ज़्यादा भी कर सकते हो, प्रोग्राम आपको प्रिपेयर करना है. तो आज जो वीडियो में मैं आपको क्वेश्चंस दे रही हूँ, ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि कंपलसरी आप करो, आई जस्ट वांट यू टू ट्राई. मैं इसका जो कोडिंग का जो पोर्शन है वो मैं आपको शेयर कर दूँगी फॉर योर हेल्प, बट बिफोर आई हेल्प आई वॉन्ट यू हेल्प योर सेल्फ, राइट. आप खुद अपना प्रैक्टिस करके देखें, खुद आप ट्राई करके देखें, क्योंकि हम ऑलरेडी इफ सिलेक्शन स्टेटमेंट, इटरेशन स्टेटमेंट, 4 इफ एल्स ये सब पढ़ चुके हैं. 4 और इफ एल्स से ही करना है. इसके अलावा अगर आप नेट पे सर्च कर रहे हैं, कुछ यूट्यूब में देख रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आएंगी. डू नॉट गेट इन टू दिस, क्योंकि आपका सिलेबस रिवाइज हो गया है और मैंने आपको सिर्फ इफ एल्स एंड 4 लूप पढ़ाया, ठीक है. तो ये जो है पोर्शन, इन लोगों इन तीनों जो कंस्ट्रक्ट्स हैं इनको यूज़ करके आप ये प्रोग्रामिंग करो, ठीक है. और फिर कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ जस्ट राइट मी ऑन मैसेजेस बॉक्स, मैसेजेस ऑप्शन इन स्टडी बेस, प्लस पढ़ाई अब शुरू कर दो, ठीक है. बहुत सारे बच्चे जो हैं प्लीज़ अभी भी मुझे मिसिंग लग रहे हैं, प्लीज़
अगर आपके कांटेक्ट में है कोई फ्रेंड्स जैसे मिसिंग है, बहुत टाइम से उनने लाइव स्ट्रीम अटेंड नहीं किया, बहुत टाइम से यूट्यूब लिंक नहीं देख रहे हैं, ठीक है, और लास्ट वीक का वीडियो का व्यूज़ भी बहुत कम था, तो प्लीज़ जितना जितना आप डिले करोगे उतना उतना आपका पेंडिंग होता जाएगा और आपको बर्डन लगेगा। तो प्लीज़ जस्ट सिस्टम में रहो ताकि आप लोग अच्छे से इसे कंप्लीट कर सकें, ठीक है। सो लेट्स बिगिन विद अवर चैप्टर 10, दैट इज़ स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। सो लास्ट वीक वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर 9। 9 में आप लोगों ने थ्योरी पढ़ा था, इंट्रोडक्शन अबाउट DBMS, दैट इज़ डेटाबेस क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होता है, डेटा क्या होता है, कैसे टेबल बनाते हैं, टेबल में क्या क्या कीवर्ड्स हैं, लाइक टपल किसे कहते हैं, एट्रीब्यूट किसे कहते हैं, प्राइमरी की, फॉरेन की, ऑल्टरनेट की, कैंडिडेट की, इसके बारे में हमने थ्योरेटिकली पढ़ा था। हम अब इसको थोड़ा एग्जीक्यूट करके देखेंगे कि एग्जैक्टली हम ये पढ़ क्यों रहे हैं। तो लेट मी क्लियर यू द पिक्चर। कोई भी सॉफ्टवेयर जब बनता है तो उसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है फ्रंट एंड और एक होता है बैक एंड। तो फ्रंट एंड से आप समझ रहे होंगे कि मतलब जो इंटरफेस आप देख रहे हो, आपने किसी भी सॉफ्टवेयर को जब डबल क्लिक करके ओपन किया तो जो इंटरफेस आपको दिखता है, जो डिज़ाइन आपको दिखती है कि इमेजेस लगा हुआ है, मल्टीपल बटन्स लगे हुए हैं, कुछ जो है इमेजेस मूव हो रहे हैं, स्क्रॉल हो रहा है, ठीक है, जो सॉफ्टवेयर का इंटरफेस है मतलब जो दिख रहा है, दैट इज़ योर फ्रंट एंड पार्ट। उसे बनाने के लिए हम डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, लाइक योर HTML, CSS, JavaScript, राइट। जावा इज़ डिफरेंट एंड जावा स्क्रिप्ट इज़ डिफरेंट। सो जावा स्क्रिप्ट जो है हम डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। आप लोगों ने कई बार देखा होगा वेब डिज़ाइनर है और प्रोग्रामर है, तो प्रोग्रामर इज़ द बैकएंड वाला पार्ट, और जो डिज़ाइन करता है वेबसाइट को, दैट इज़ अ सिर्फ डिज़ाइनिंग का काम होता है कि भाई आपका वेबसाइट जो है दिखेगा कैसे, ठीक है। सो दैट इज़ योर डिज़ाइनर, वेब डिज़ाइनर बोलते हैं उसको, ठीक है। तो फ्रंट एंड और बैक एंड, तो फ्रंट एंड आपको समझ में आ गया होगा, HTML इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, बट येस नेक्स्ट ईयर शायद आपके 12th में है, आई डोंट नो अबाउट द रिवाइज्ड वन, रिवाइज्ड में शायद नहीं है, बट लास्ट ईयर था, ठीक है। सो वो मतलब डिज़ाइनिंग पार्ट। नेक्स्ट इज़ योर बैक एंड। बैक एंड मतलब आपका ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, दैट मीन्स आप लोग ने जो भी एक्शन परफॉर्म हुआ, मतलब आपका जो इंटरफेस में अगर यूज़र ने एक बटन क्लिक किया या स्क्रॉल किया, ड्रैग किया या कुछ और एक्शन परफॉर्म किया, कुछ सेलेक्ट किया, डिलीट किया, कुछ ऐड किया, अपडेट किया, तो वो जो एक्शन परफॉर्म होगा वो उसमें जो चेंजेस आएगा डेटा में, दैट इज़ मैनेज्ड बाय द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वाला पार्ट, दैट इज़ योर SQL, ठीक है। जैसे आपने 1+1 वन प्रेस किया, फिर प्लस प्रेस किया, फिर 1 किया, इक्वल टू दबाया कैलकुलेटर में, तो दैट इज़ योर रिजल्ट विल बी 2। सो जो एक्शन परफॉर्म हो रहा है, मतलब क्लिक करने पर जो रिजल्ट आ रहा है, वो हम लॉजिकल पार्ट, जैसे हमने पाइथन में सीखा था कि आप नंबर 1+2 इक्वल टू नंबर 3, सो ये तीनों है इस बटन के पीछे कोडिंग करी हुई है, दैट इज़ योर बैक एंड। और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, दैट मीन्स योर डेटा की आपने जब 2 प्रेस किया है तो वो 2 कहीं ना कहीं स्टोर होगा, ठीक है। कैलकुलेटर में मुझे स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैं एक नई यूज़र हूँ, तो मैंने अपना अगर रजिस्ट्रेशन किया तो मैं अपना नाम डालूँगी, एज डालूँगी, एंड देन आई विल जो भी अदर इन्फॉर्मेशन है, फ़ोन नंबर है डालूँगी, तो वो कहीं ना कहीं जाके सेव होगा, तो दैट इज़ योर बैक एंड वाला पार्ट, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो जो फ्रंट एंड है और जो बैक एंड है, दोनों को मर्ज करके ही एक पूरा एक सॉफ्टवेयर बनता है, ठीक है। आपने पाइथन अलग से पढ़ लिया, कोडिंग करना सीख लिया, आप लोगों ने सारे लॉजिकल कीवर्ड्स, ऑपरेटर्स, इन सब के साथ थोड़ी थोड़ी प्रोग्रामिंग्स कर लिए, ठीक है। अब आपने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सीख रहे हो, मतलब आप डेटा को कैसे मैनेज करोगे, कैसे उसकी क्वेरी करोगे, ठीक है। तो इन दोनों को मर्ज करने का एक बहुत बड़ा एक पार्ट है, जो जिसे हम कहते हैं कनेक्टिविटी, डेटाबेस कनेक्टिविटी। सो वो हम नेक्स्ट ईयर में पढ़ेंगे, इस बार आपका लाइव प्रोजेक्ट नहीं है, तो नेक्स्ट ईयर में हम लोग 12th क्लास में पढ़ेंगे कि कनेक्टिविटी कैसे करते हैं। अभी आप पाइथन प्रोग्रामिंग में अच्छे से एक्सपर्ट हो जाओ और SQL क्वेरीज़ को आप अच्छे से समझ लो, क्योंकि SQL क्वेरीज़ बहुत ईजी है, एक बार समझ में आ गई तो यू विल गेट, लाइक बहुत सिंपल चीज़ है। दोनों को मर्जिंग और कनेक्टिविटी हम लोग जो है नेक्स्ट ईयर में सीखेंगे। तो आपको ये पिक्चर क्लियर हो गया होगा कि हम लोग एग्जैक्टली ये SQL क्वेरीज और ये
पाइथन प्रोग्रामिंग पढ़ क्यों रहा है, क्योंकि कोई भी सॉफ्टवेयर सिर्फ बैकएंड से नहीं होगा, सिर्फ फ्रंटएंड से नहीं होगा, इन दोनों के मर्जिंग से ही एक सॉफ्टवेयर बनता है, ठीक है। अगर यूज़र को कुछ इंटरफेस दिखेगा नहीं तो वो कैसे परफॉर्म करेगा एक्शन को। अगर डेटा कहीं स्टोर नहीं होगा, कहीं डिलीट अपडेट जो जो नहीं होगा या सेलेक्ट नहीं होगा, तो उस सॉफ्टवेयर को बनाने का फ़ायदा क्या है। सो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है दैट इज़ योर सॉफ्टवेयर, ठीक है। और एक सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए हम दूसरा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, जैसे पाइथन में हमने IDLE यूज़ किया था, दैट इज़ ऑल्सो अ सॉफ्टवेयर, ठीक है। IDLE IDE या इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर है, एनवायरनमेंट है, एक सॉफ्टवेयर है। अब आप SQL क्वेरीज करने के लिए या डेटाबेस को मैनेज करने के लिए भी आप एक सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, दैट इज़ योर SQL। बहुत सारे होते हैं, SQLite होता है, MySQL होता है, ठीक है, और वैम्प जो सर्वर है, बहुत सारे जो है इसके लिए आपके पास सॉफ्टवेयर बने हुए हैं, आपको उसे इंस्टॉल करना है और इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से आप दूसरा सॉफ्टवेयर बना रहे हो, दैट इज़ अ पॉइंट, ठीक है। सो अब जो है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने थ्योरी पढ़ी थी कि हाँ ये टेबल होता है। ऑफकोर्स मैंने कहा है कि कंप्यूटर में अगर कोई भी डेटा सेव है तो वो टेबुलर फॉर्म में होगा, इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। रोज का कुछ मतलब होता है, कॉलम का कुछ मतलब होता है, ठीक है, और इनके अंदर एक एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड किसे हम कहते हैं, फील्ड हम किसे कहते हैं, ठीक है। हम रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ चुके हैं लास्ट वीक में, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम दैट मीन्स मतलब मल्टीपल टेबल्स। ज़रूरी नहीं है कि मेरा एक डेटाबेस, एक टेबल से ही मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, नहीं। अगर मैं स्कूल के लिए कोई सॉफ्टवेयर बना रही हूँ तो ऑफकोर्स स्टूडेंट का अलग होगा, टीचर्स का अलग होगा, बट कोई ना कोई एक कॉलम होगा जिसमें क्या होगा, कहीं ना कहीं रिलेट होगा दोनों टेबल। तो मल्टीपल टेबल्स को हम रिलेट करके अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो दैट इज़ योर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो मल्टीपल टेबल्स हम बनाने के लिए हम कैसे बनाते हैं, एक डेटाबेस बनाएंगे, मतलब हम सबसे पहले एक डेटाबेस बनाएंगे, उसमें मल्टीपल टेबल्स बनाएंगे, यूज़ करेंगे उस डेटाबेस को, ठीक है, और उस टेबल में जो भी हमें करना है, दैट मीन्स अगर हमें न्यू इंसर्ट करनी है वैल्यू को, हमें कोई वैल्यू जो ऑलरेडी पड़ी है उसे देखना है, ठीक है, हमें अपडेट करना है, मतलब हमने किसी का गलती से फ़ोन नंबर चेंज हो गया या एड्रेस चेंज हो गया, तो जो एड्रेस एग्जिस्टिंग है उसको हटाकर हमें रिप्लेस करना है दूसरा एड्रेस, तो अपडेट हम करेंगे। और हम लोग कैसे करेंगे, लाइक डिलीट करेंगे, फॉर एग्जांपल कोई एम्प्लॉय ने छोड़ दिया, तो कोई स्टूडेंट जो है माइग्रेट हो गया, फाइन, तो मुझे उस रिकॉर्ड को डिलीट करना है, उस पर्टिकुलर स्टूडेंट को मेरे टेबल में से हटाना है, तो वो डिलीट ऑप्शन मेरे पास है। तो इन सब को करने के लिए कुछ क्वेरीज होती है, कुछ कमांड्स होते हैं। हम लोगों ने लास्ट वीक में पढ़ा था DDL और DML, दो है, उसको हम थोड़ा सा अभी और डिटेल में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन अबाउट द SQL। सो जैसे आपकी बुक में लिखा है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज नॉट अ न्यू कंसेप्ट एंड वाज फर्स्ट इंप्लीमेंटेड इन 1960s, ठीक है। सो आई जस्ट डोंट वांट टू रीड इट, बट यस, इसमें यही लिखा है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी कंपनी हो या कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ टाइप का डेटा को स्टोर करती है, चाहे वो मॉनिटरी वैल्यू हो, चाहे वो एम्प्लॉई का डिटेल्स हो, चाहे वो जो भी प्रोडक्ट है उसके जो अवेलेबिलिटी या उस प्रोडक्ट के बारे में हो, तो उस सब चीज़ों को वो एक डायरेक्टरी के फॉर्म में या एक डेटा के फॉर्म में स्टोर करती है। तो इस डेटा को जो है हैंडल करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए या मैनेज करने के लिए हमें स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ी है। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज इज़ अ लैंग्वेज, और वी कैन से देर आर डिफरेंट सॉफ्टवेयर विच इज़ बेस्ड ऑन दिस। सो जैसे यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल दे रखा है, टेलीफोन डायरेक्टरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल सिस्टम, साइन अप फेसबुक। तो इन तीनों कंसेप्ट में टेलीफोन डायरेक्टरी हो, मतलब कुछ जो जितने भी नंबर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं डेटा में स्टोर होती है, ठीक है, वो बुकलेट हमारे पास है, बट अगर वही चीज़ को हम कंप्यूटर के थ्रू करें तो दैट इज़ दी ऑनलाइन टेलीफोन डायरेक्टरी। इलेक्ट्रिसिटी बिल सिस्टम है, तो ऑफकोर्स आपके पास भी जो बिल्स हैं जनरेट होती रहती है, ऐसा तो नहीं है कि आपको हमेशा एक कंटिन्यू पे करना पड़े, आपको सिर्फ एक ही मंथ का पे करना पड़ता है, तो वो माइनस करके आपको जो है बिल मिलता है, तो वो बिल बनाने के लिए भी एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे हो या बिल को आप ऑनलाइन गेट कर रहे हो, दीज ऑल थिंग्स क्या है, कहीं ना कहीं डेटा फ्लो हो रहा है। फेसबुक पे साइन अप करना है, तो अगर फर्स्ट टाइम आप रजिस्टर कर रहे हो तो आप एक बार साइन अप करते हो, साइन अप में आपको बहुत सारे फॉर्म फिल करना होता है, लास्ट में आपको एक पासवर्ड और एक यूज़र आईडी मिलती है, एंड देन
आप नेक्स्ट टाइम उसे साइन इन करते हो. सो दैट इज़ फेसबुक. तो इन तीनों में कहीं ना कहीं डेटा फ्लो हो रहा है, डेटा रिट्रीव हो रहा है, डेटा रजिस्टर्ड हो रहा है, फ्लो हो रहा है. सो दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ दिस एसक्यूएल कंसेप्ट. सो इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, एसक्यूएल से बेसिस जो है टेबल्स बनाना और उसमें से जो डेटा है उसे रिट्रीव करना सीखेंगे. तो एसक्यूएल पे बेस्ड जो कमांड्स है, जो हमने जैसे बात करी थी DDL और DML, वो कमांड हम इस चैप्टर में सीखेंगे. उससे पहले एक छोटा सा ओवरव्यू. SQL, जिसका फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, इज़ अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज फॉर एक्सेसिंग एंड मैनिपुलेटिंग डेटाबेसेस. ओके, SQL कमांड्स आर यूज टू क्रिएट, ट्रांसफॉर्म एंड रिट्रीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड ऑल्सो टू क्रिएट एन इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड द डेटाबेस. फाइन, By using SQL commands, one can search any data in the database and perform other functions like create tables, add records, modify data, remove rows, drop table, etc. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम क्या कर सकते हैं, इस SQL के थ्रू कर सकते हैं. स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज को जो परफॉर्म करने के लिए जो सॉफ्टवेयर्स हम यूज़ करते हैं उसे बहुत सारे हैं. वैसे तो MySQL इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल. सो MySQL इज़ एन ओपन सोर्स एंड फ्रीली अवेलेबल रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम RDBMS दैट यूज़ स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज. इट प्रोवाइड्स एक्सेलेंट फीचर्स फॉर क्रिएटिंग, स्टोरिंग, मेंटेनिंग एंड एक्सेसिंग डेटा स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ डेटाबेसेस एंड देयर रेस्पेक्टिव टेबल्स. अ सिंगल MySQL डेटाबेस कैन स्टोर सेवरल टेबल्स एट अ टाइम एंड थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स इन इट. ओके, तो ये हम देख चुके हैं. बींग एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, इट कैन बी डाउनलोडेड फ्रीली एंड ईजिली फ्रॉम www.mysql.org. MySQL is developed and supported by Sweden-based company MySQL AB. It is fully secured, reliable and faster and processes better functionalities than many other commercial RDBMS available in the market. So MySQL पे exactly हम लोग जो है programming करते हैं, but अपने school के systems में VAMP नाम से जो server है MySQL का, उसे हम डाउनलोड करके करते हैं. तो आप लोग भी जो है चाहिए तो वैम्प जो है डाउनलोड कर सकते हैं. अदरवाइज़ MySQL www.mysql.org पे जाकर आप इसके सॉफ्टवेयर को डाउनलोड डायरेक्टली कर सकते हैं. ठीक है, सो डू नॉट गेट कन्फ्यूज्ड. स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज इज़ अ लैंग्वेज जिसके अंदर हम लोग सारे डेटा को पढ़ेंगे, मतलब सारे कमांड्स को हम पढ़ेंगे. उसी को परफॉर्म करने के लिए जो सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं उसमें से एक सॉफ्टवेयर है MySQL. ठीक है, और SQL क्वेरी लैंग्वेज जो है कम्प्लीटली किस में बेस्ड होता है, RDBMS, दैट इज़ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. मतलब मल्टीपल टेबल्स और थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स को हम एट अ टाइम स्टोर कर सकते हैं. ठीक है, लेट्स मूव टू द फीचर्स ऑफ SQL. जो SQL है दैट इज़ डेवलप्ड इन 1970. डोनाल्ड डी एंड रेमंड एफ ने जो है इसे IBM जो कंपनी में डेवलप किया था. ठीक है, दिस इज़ अ फोर्थ जनरेशन नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज. ठीक है, अब इसका मेन जो काम है वो अभी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. यू कैन सी हियर, इट कैन रिट्रीव डेटा, मतलब जो एग्जिस्टिंग डेटा है उसमें से डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं. इट कैन इंसर्ट रिकॉर्ड, कोई नया डेटा हम इंसर्ट कर सकते हैं. इट कैन अपडेट रिकॉर्ड, हम अपडेट कर सकते हैं, दैट मीन्स कोई चेंजेस कर सकते हैं. इट कैन क्रिएट न्यू डेटाबेस, नया डेटाबेस हम बना सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं नए डेटाबेस, मतलब जो एग्जिस्टिंग डेटाबेस है उसको. इट कैन क्रिएट न्यू टेबल्स, नया टेबल हम क्रिएट कर सकते हैं डेटाबेस के अंदर. इट कैन क्रिएट व्यूज़ इन अ डेटाबेस, हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्यूज़, मतलब अगर आपको सिर्फ देखना ही है, सिर्फ डेटा को देखना ही है, तो हम व्यूज़ यूज़ कर सकते हैं. इट कैन अलाउ मॉडिफाई सिक्योरिटी सेटिंग्स फॉर द सेटिंग. हाँ, ओके, सो डेटाबेस को किस तरीके से आप जो सेटिंग्स है, मतलब आप लोग बहुत तरीके से डेटाबेस बनाओगे, बट उसके स्ट्रक्चर को भी आप कैसे, आपको देखना है कैसे मॉडिफाई करना है इसकी सेटिंग को, वो आप ये इसके थ्रू कर सकते हो. सो दीज आर द फीचर्स कि SQL से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, वॉट आर द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग दिस. सो ये सारी चीज़ें हम लोग SQL क्वेरी में कर सकते हैं. सो बहुत अच्छा सिंपल सा एक डेफिनेशन दे रखा है. इट इज़ अ यूनिफाइड नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग, एक्सेसिंग, हैंडलिंग एंड मैनेजिंग डेटा इन रिलेशनल डेटाबेस. लेट सी द एडवांटेजेस ऑफ SQL.
एडवांटेजेस बहुत इजी है, इजी टू यूज़, येस इट इज़ डेफिनेटली वेरी इजी टू यूज़ क्योंकि बहुत इजी कमेंड्स होते हैं इसके। लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटाबेस कैन बी हैंडल्ड, बहुत सारे डेटाबेस को हम एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे मैनेज कर सकते हैं। नो कोडिंग रिक्वायर्ड, ज़्यादा कोडिंग की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, जस्ट हमें कुछ क्वेरीज लिखनी पड़ती है, ठीक है। SQL कैन लिंक्ड टू मोस्ट ऑफ द अदर हाई लेवल लैंग्वेज विच मेक्स इट फर्स्ट चॉइस। येस, SQL को हम किसी भी अदर हाई लेवल लैंग्वेज जैसे अपने पाइथन के साथ किया, जावा के साथ किया, उसके साथ क्या कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। पोर्टेबल होता है, इट इज़ पोर्टेबल बिकॉज ईजिली भी अवेलेबल है और इट्स किसी भी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें हम यूज़ कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, SQL इज़ नॉट अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, मतलब कैपिटल और स्मॉल लेटर दोनों हम लोग यूज़ करें तो भी इक्वल रहता है वो, ठीक है। आप इसे कैपिटल में भी लिख सकते हैं या फिर स्मॉल में भी लिख सकते हैं। पाइथन आपका केस सेंसिटिव है बट SQL आपका केस सेंसिटिव नहीं होता है, ठीक है। पावरफुल लैंग्वेज भी होता है, पावरफुल लैंग्वेज दैट मीन्स इट परफॉर्म्स एट अ प्रिस्क्राइब्ड एंड फिक्स्ड लेवल and one select command can retrieve data from multiple rows and modify command can edit multiple rows, मतलब एक साथ हम multiple rows को modify या select कर सकते हैं। so ये powerful language है, reliable है, it provides a high level well defined set of commands that provide desirable result without any ambiguity, मतलब reliable इसलिए है क्योंकि बहुत ही नाजुक जो डेटाज है उसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपली एक क्वेरी से हम रिट्रीव कर सकते हैं, ठीक है। और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बाकी डेटा को, ठीक है। फ्रीडम ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन, SQL प्रोवाइड्स अ ग्रेटर डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ एब्स्ट्रैक्शन कंपेयर टू एनी अदर प्रोसीजरल लैंग्वेज। डेटा एब्स्ट्रैक्शन मतलब, एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है हाइडिंग, ठीक है। तो डेटा को सिक्योर करना या हाइड करना, जो अननेसेसरी डेटा है उसे हम हाइड करना, उस फीचर को हम कहते हैं डेटा एब्स्ट्रैक्शन। तो SQL में हाई डिग्री ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन प्रेजेंट होता है, मतलब सेंसिटिव डेटा को हम क्या कर सकते हैं, कॉन्फिडेंशियल भी रख सकते हैं, ठीक है। बाकी के कंपैरिजन में ये बेटर होता है। कंप्लीट लैंग्वेज फॉर अ डेटाबेस, अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ स्ट्रॉन्ग क्वेरी प्रोसेसिंग लैंग्वेज, कैन बी यूज्ड टू क्रिएट, इंसर्ट, डिलीट, कंट्रोल एक्सेस टू डेटा इन डेटाबेस। इज अ वेरी एग्जैक्टली क्या सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मेरे पास यहाँ पर ही है, मतलब मैं क्रिएट भी कर पा रही हूँ, इंसर्ट भी कर पा रही हूँ, सारी चीज़ें मैं इस पर्टिकुलर SQL से कर सकती हूँ। नेक्स्ट इज़ योर क्लासिफिकेशन ऑफ SQL स्टेटमेंट्स। सो आपको पता है आपके SQL, आपने दो तो सुन लिए DDL और DML, बट उसके अलावा DCL और TCL भी होते हैं, मतलब SQL कमांड स्टेटमेंट जो है एग्जैक्टली फोर क्लासिफाइड जो फॉर्म में होते हैं, दैट इज़ डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। सो ये चार्ट देख के समझ में आ रहा होगा, DDL के अंदर आपका क्रिएट, ऑल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट, कमेंट, रीनेम आता है, ठीक है, जिसमें से हमें सिर्फ क्रिएट, ऑल्टर और ड्रॉप ही करना है इस ईयर। DML में आपको सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, मर्ज, कॉल, एक्सप्लेन प्लान, लॉक टेबल, इसमें से आपको सिर्फ फर्स्ट जो फोर है वही करना है, दैट इज़ सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट, ठीक है। DCL इज़ योर ग्रांट एंड रिवोक, ठीक है। TCL आपका कमिट, रोल बैक, सेव पॉइंट एंड सेट ट्रांजेक्शन, ठीक है। दिस ईयर यू हैव ओनली DDL और DML, DCL और TCL नहीं है, आपको सिर्फ DDL और DML पे ही करना है। DCL और TCL आपके सिलेबस में नहीं है, बट येस आपको पता होना चाहिए कि क्या है। तो देर आर फोर जो क्लासिफिकेशन है SQL कमांड्स की, दैट इज़ DDL, DML, DCL एंड TCL। प्लीज़ जस्ट लर्न द फुल फॉर्म, इससे बेसिस क्वेश्चंस आते हैं। क्वेरीज आपको मैंने बताया था कि लास्ट वीक में बताया था कि DDL और DML में क्या डिफरेंस होता है, एक बार देख लेते हैं। ये आपको समझ में आ रहा होगा कि DDL कमांड में हम लोग क्रिएट करते हैं डेटाबेस को, यूज़ जो है करते हैं डेटाबेस को, टेबल को क्रिएट करते हैं, टेबल को ऑल्टर करते हैं और ड्रॉप करते हैं टेबल को, मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर से रिलेटेड बात हो रही है। पहले हम डेटाबेस को बनाएंगे, यूज़ करेंगे उस डेटाबेस को, जो कि आपका सबसे फर्स्ट पार्ट है,
टेबल को बनाएंगे, अब टेबल को बनाना है तो डेफिनेटली हमें उसमें स्ट्रक्चर देना पड़ेगा कि आपके टेबल में कितने कॉलम्स होंगे, ठीक है, उस कॉलम्स में ईच कॉलम्स के डेटा टाइप्स क्या होंगे, ठीक है, कौन सा प्राइमरी की होगा, तो वो हम क्रिएशन जब करेंगे टेबल का तब आएगा। ऑल्टर टेबल, अगर आपको डेटा के टेबल की स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस करना है, मतलब आपने कॉलम 3 में डेट ऑफ बर्थ लिया है और आपको डेट ऑफ बर्थ को डेट जो है आपका जो है डेटा टाइप लेना है, तो अपनी गलती से नंबर ले लिया, उसको अगर ऑल्टर करना है, मतलब उसको चेंज करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑल्टर कमांड यूज़ करना पड़ेगा जो कि DDL का पार्ट है। फिर आपको अगर पूरा टेबल ही डिलीट करना है, मतलब आपको एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड नहीं, आपको पूरा टेबल ही आपके डेटाबेस में से कम्प्लीटली डिलीट करना है, तो हम ड्रॉप कमांड यूज़ करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आया होगा ये स्ट्रक्चर से रिलेटेड काम करता है, या तो डेटाबेस को बनाने के लिए, टेबल को बनाने के लिए, टेबल को ऑल्टर करने के लिए, मतलब टेबल के स्ट्रक्चर को ऑल्टर करने के लिए, और या पूरे टेबल को डिलीट करने के लिए। जैसे यहाँ पे नीचे लिख रखा है, द DDL कमांड लेट्स यू डिफाइन द डेटाबेस स्ट्रक्चर एंड इट्स रिलेटेड ऑपरेशन, ठीक है, वेयर एज DML कमांड्स कैरी आउट क्वेरीज प्रोसेसिंग ऑपरेशन एंड मैनिपुलेट डेटा इन द डेटाबेस। मतलब आपने पूरा टेबल बना लिया, टेबल में सारी चीज़ें जो है स्ट्रक्चर आपने प्रोवाइड कर दी है, बट अगर आपको डेटा को इंसर्ट करना है, मतलब रिकॉर्ड बनाना है, पर्टिकुलर कॉलम के अंदर कोई डेटा को डालना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है, एक रिकॉर्ड को आपको डिलीट करना है, या आपको कोई सेलेक्ट मतलब रिट्रीव करना है, तो ये जो डेटा के ऊपर या डेटा के रिकॉर्ड्स के ऊपर जो काम होगा वो कौन करेगा, DML करेगा, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। सो सेलेक्ट स्टेटमेंट, इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट, अपडेट, डिलीट, ये चार जो है स्टेटमेंट्स हम यूज़ करेंगे डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के अंदर। फाइन, DDL और DML में जो डिफरेंस है ये ज़्यादातर क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, और सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन भी इसी में होता है। DDL और DML में बहुत सिंपल सा डिफरेंस है, DDL जो है स्ट्रक्चर पे काम करता है, DML जो है उसके डेटा रिकॉर्ड्स पे काम करता है, ठीक है, दोनों के डिफरेंस आपको पता होने चाहिए। अब बात करते हैं MySQL की। MySQL इज अ पॉपुलर ओपन सोर्स रिलेशनल SQL डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, इज अ पॉपुलर सॉफ्टवेयर है जो यूज़ करते हैं हम कोई भी क्वेरी को करने के लिए, और ये क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे बेस्ड होता है, ठीक है। MySQL के एडवांटेजेस हम देख लेते हैं, रिलायबिलिटी एंड परफॉर्मेंस, ठीक है, इसकी रिलायबिलिटी बहुत अच्छी होती है, हाई परफॉर्मेंस होता है, ठीक है, मॉडिफिएबल, ऑफकोर्स हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, सोर्स कोड को हम चेंज कर सकते हैं, फाइन, मल्टी प्लेटफॉर्म सपोर्ट होता है, किसी भी प्लेटफॉर्म के अंदर ये काम कर सकता है, यूनिक्स, लिनक्स, मैक ओएक्स, विंडोज़, ठीक है, तो इसलिए मल्टी प्लेटफॉर्म सपोर्ट होता है। पावरफुल प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज़ होती है, प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज़ ईजी होती है, कॉम्पैटिबल होती है, फास्ट होती है, ठीक है। इंटीग्रिटी चेक्स, दैट मीन्स हम जो है चेक कर सकते हैं इसके रेस्ट्रिक्शन को, दैट मीन्स वेरियस इंटीग्रिटी चेक्स इन ऑर्डर टू रेस्ट्रिक्ट यूज़र इनटू एन, मतलब आप डेटाबेस को सेफ कर सकते हो, कॉन्फिडेंशियल कर सकते हो, सिक्योर कर सकते हो, ठीक है, इसमें ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि आप अपने डेटा को सिक्योर करो, कि आप चाह रहे हैं कि पर्टिकुलर पर्सन ही इसे देख सके और बाकी लोगों के लिए ये एब्स्ट्रैक्ट रहे, तो ये इससे पॉसिबल है। ऑथराइजेशन, येस, ऑथराइजेशन इज़ अंदर थिंग, मतलब रेस्ट्रिक्ट हम कर सकते हैं पर्टिकुलर कॉलम्स एंड डेटा के लिए, आप अपने टेबल्स को सेव करके भी रख सकते हो। सो दीज ऑल आर दी MySQL के डिफरेंट जो है एडवांटेजेस। अब जो है कैसे इसको हम स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे हमने पाइथन इंस्टॉल किया था वैसे ही हम SQL क्वेरीज करने के लिए वैम सर्वर आपके सिस्टम में जो है इंस्टॉल करेंगे। स्कूल के कंप्यूटर सिस्टम में वैम सर्वर ही हम यूज़ कर रहे हैं और ये थोड़ा सिंपल होता है, सो उसको आपको इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले व्हाट यू हैव टू डू इज़, कोई भी आप वेब ब्राउज़र ओपन करेंगे जो भी आपके सिस्टम में है, वेब ब्राउज़र पे क्लिक करने के बाद आपको टाइप करना है वैम सर्वर या फिर डाउनलोड वैम सर्वर। सो वैम सर्वर आप जैसे ही डालोगे तो आपको एक लिंक दिखेगा, दैट इज़ www.vamserver.com। क्लिक ऑन दैट, आपका जो है पेज ओपन होगा जिसके अंदर नीचे
इंस्टॉलेशन के कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, इधर यू कैन रीड इट एंड गो फॉर इट, अदरवाइज नीचे आपका डाउनलोड का ऑप्शन है, ठीक है। सो 64 बिट और 32 बिट्स दो ऑप्शंस हैं, बट गो फॉर एज पर योर ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट्स 32 बिट भी चलेगा, ठीक है। सो जो भी है, अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम 32 बिट का है तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो या फिर 64 बिट्स को सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे आप क्लिक करोगे तो कुछ वार्निंग और इंस्ट्रक्शंस आएंगे, यू कैन रीड इट केयरफुली, और आपके पास ऊपर यहाँ पे ऑप्शन है डाउनलोड डायरेक्टली। तो डाउनलोड डायरेक्टली जैसे ही क्लिक करोगे आप, तो आपके पास यहाँ पे ग्रीन में दिखाई दे रहा है योर डाउनलोड विल स्टार्ट शॉर्टली, ठीक है। सो एक डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा जिसमें आपके पास यहाँ पे दे रखा है सेव फाइल, क्लिक ऑन सेव फाइल। सेव फाइल आप क्लिक करेंगे तो आपका जो ये डाउनलोडिंग जो है स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। यू कैन सी कि डाउनलोड हो रहा है, इट विल टेक सम टाइम, इट्स डिपेंड्स ऑन योर नेटवर्क कि कितना आपका नेटवर्क फास्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है ये इंस्टॉल डाउनलोड हो जाएगा। सो यहाँ पे आपका सॉफ्टवेयर नहीं बट आपका सेटअप डाउनलोड हो रहा है। रन पे क्लिक करेंगे एंड देन लैंग्वेज इज इंग्लिश, ओके। एंड देन जैसे आप बाकी सब में करते हैं वैसे ही नेक्स्ट 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 जो है क्लिक करते जाना, ठीक है। कुछ भी आपको चेक करने की ये कुछ ज़रूरत नहीं है, टर्म्स एंड कंडीशन आता है तो आपको चेक करना है। लोकेशन आप चेंज कर सकते हो, बाय डिफ़ॉल्ट ये सी ड्राइव दिखाएगा तो सी ड्राइव में करने देना, नेक्स्ट क्लिक करते रहना है, ठीक है। कुछ और वर्जन्स दे रखे हैं उसे अनचेक चेक करने की ज़रूरत नहीं है, नेक्स्ट नेक्स्ट करके, क्योंकि हमें बहुत सारा काम करना नहीं है इसके अंदर, सिर्फ कुछ क्वेरीज करनी है। इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, इंस्टॉल करना है एंड अगेन इट विल टेक सम टाइम। जैसे ही ये कंप्लीट हो जाता है देन यू कैन सी फिनिश बटन। जैसे जनरली हम सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हैं वैसे ही ये ऑप्शन है, फाइन, ओके। सो एक्सप्लोर इंटरनेट विल, मतलब ये पूछ रहा है कि फिर डू यू वांट टू चेंज दी ब्राउज़र, ब्राउज़र को आप चेंज करना चाह रहे हो नहीं, सो यू कैन डू येस, क्लिक ऑन येस। एंड देन फाइल नेम्स, ज़रूरी नहीं है ऐसा ऑप्शन आपके पास आए, ठीक है। आप चाहिए तो आप चेंज कर सकते हो, नहीं चाहिए तो नो भी कर सकते हो, ठीक है। किसी पर्टिकुलर वेब ब्राउज़र को सेलेक्ट करके ओपन कर लेना, ठीक है, क्लिक ऑन येस। एंड इट्स ऑलमोस्ट डन, फाइन। सो जैसे ही आपका इंस्टॉल हो जाता है, फिनिश बटन करना है आपको, यहाँ पे देखो इसका आइकन दिखाई दे रहा है W। वंस यू क्लिक दिस, सो आपके या तो डेस्कटॉप पे डायरेक्ट या फिर सी ड्राइव पे आप ओपन करके देख लेना। डबल क्लिक आप जैसे करोगे तो नीचे यहाँ पे ग्रीन कलर का आइकन इसका दिखाई देगा। ये डाउनलोड होने के बाद आपको डेस्कटॉप पे इसका वैम सर्वर करके आइकन दिखाई देगा, आपको उसे क्लिक करना है। क्लिक करते ही नीचे टास्क बार में ग्रीन कलर का बटन दिखाई देगा, जैसे ये दिख रहा है वहाँ पे लोकल होस्ट आप क्लिक करते हो तो ये होम पेज आपको शो होगा, बट आपको जब प्रोग्रामिंग करनी है तब माई एसक्यूएल क्लिक करना है। लोकल होस्ट जो है ये इसका होम पेज है, होम पेज में इसका पूरा इंट्रोडक्शन दे रखा है, कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है, ठीक है, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है। बट येस, हाउ टू डाउनलोड, आपको वहीं स्क्रीन बटन पे जो है क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको माई एसक्यूएल का ऑप्शन आ रहा है, माई एसक्यूएल को क्लिक करना है एंड देन आपका जो पेज है वो ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपको क्वेरीज लिखनी है, और उसी क्वेरीज के अंदर आपको सारी DDL और DML जो है कमेंड्स यूज़ करना है। इसका प्रैक्टिकल हम नेक्स्ट वीक में करेंगे, ठीक है। अभी आपके लिए टास्क है कि आपको ये इंस्टॉल करके आपके सिस्टम पे रखना है। अब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल रिकॉर्ड की। सो एज पर दी रिवाइज्ड CBSE सिलेबस, आपका प्रैक्टिकल पे हम देख लेते हैं क्योंकि वी हैव वेरी लेस टाइम लेफ्ट विद अस। सो द वेरी फर्स्ट इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्रिएटिंग डेटाबेस यूजिंग MySQL एंड परफॉर्मिंग क्वेरीज, जो कि 11 और 7 नंबर का है। ये वो है जो आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन एक्सटर्नल
या फाइनल एग्ज़ाम जो प्रैक्टिकल का होता है तो वहाँ पे रिटन पेपर होता है। रिटन पेपर के अंदर आपका 11 मार्क्स का पाइथन प्रोग्रामिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा और 7 मार्क्स का माई एसक्यूएल क्वेरी में से क्वेश्चन आएगा। बट उसके अलावा आपको 7 मार्क्स का जो है एक प्रैक्टिकल फाइल बनानी है, जिसे हम प्रैक्टिकल रिकॉर्ड भी कहते हैं, जैसे आप केमिस्ट्री फिजिक्स और बाकी सब्जेक्ट्स में बनाते हो, वैसे ही आईपी में भी बनाना है, जिसके अंदर मिनिमम 14 पाइथन प्रोग्राम्स और 14 एसक्यूएल क्वेरीज़ होती है। एसक्यूएल क्वेरीज़ अभी हमने किया नहीं है, बट येस पाइथन प्रोग्रामिंग हम कर चुके हैं। तो आई वुड लाइक कि आप एक प्रैक्टिकल रिकॉर्ड बनाएंगे। प्लीज़ बिल्कुल नॉर्मल कॉपी नहीं है, आप मार्केट में देखना, प्रैक्टिकल फाइल अलग से आती है, जिसमें से ज्योमेट्री की जैसे आती है, आगे एक सर्टिफिकेट लगा होता है, इंडेक्स का ऑप्शन आता है आपके पास। तो प्रॉपर जो है अच्छे से बिल्कुल वेल कवर्ड जो है एक प्रैक्टिकल रिकॉर्ड बनाना है, जिसके अंदर आपको 14 पाइथन प्रोग्राम्स करनी है। तो कुछ तो मैं असाइन कर रही हूँ अभी, वैसे आपके नीचे यहाँ जैसे टू फाइंड एवरेज एंड ग्रेड फॉर गिवन मार्क्स, टू फाइंड सेल प्राइस ऑफ आइटम, ठीक है, टू कैलकुलेट प्रॉफिट लॉस, पेरीमीटर और सर्कमफेरेंस ऑफ शेप्स ट्राइंगल, एंड ये बिल्कुल आपको इफ एल्स फोर लूप और नॉर्मल इफ, ठीक है, नॉर्मल इफ से लगाना है, प्रिंट फंक्शन यूज़ करना है, इनपुट फंक्शन यूज़ करना है, ठीक है, इस तरीके से आपको ये प्रोग्रामिंग करनी है। आप चाहिए तो ये सारे जो है अपने आप ट्राई कर सकते हो। येस आई एम गोना शेयर यू इन नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक में मैं आपको प्रोग्रामिंग बिल्कुल आंसर्स के साथ शेयर करूँगी, बट मैंने अभी इसलिए बताया ताकि आप खुद अपने एंड से ट्राई करें, ठीक है, तभी आप लोगों को शायद और इंटरेस्टिंग लगेगा। अगर बिल्कुल मैं एज इट इज़ भेज दूँगी तो यू विल फाइंड आप अपने एंड से रिसर्च नहीं कर पाएंगे। बहुत सिंपल सिंपल प्रोग्राम है, यूज़र से इनपुट लेना है, डिस्काउंट है तो डिस्काउंट लगाना है, कॉस्ट लगाना है, ठीक है, ये प्रॉपरली आप रन करके देखेंगे सिस्टम में, रन हो जाएगा तब ही आपको इसे रिटर्न में प्रैक्टिकल में करना है। मैंने आपको पहले इसलिए शेयर कर दिया ताकि यू विल गेट सम टाइम टू डू दैट, ठीक है। नेक्स्ट वीक में मैं आपको इसे शेयर करूँगी, बट प्लीज़ टेक हेल्प ऑफ दैट शेयर्ड फाइल, बट प्लीज़ ट्राई योर ओन, ठीक है। सो दिस इज़ योर प्रैक्टिकल रिकॉर्ड का होमवर्क, 14 प्रोग्राम्स करने हैं, जिसमें से जितना आप इसमें से कर सकते हैं उतना आप करें, करके मुझे शेयर करें, ठीक है, और जो भी है शेयर कर सकते हैं। एंड यही मैं आपको एज ए टर्म फर्स्ट का जो है, सॉरी टर्म सेकंड का जो प्रोजेक्ट है वो उसके उसमें दूंगी, एनी 4 प्रोग्राम्स। तो मेक श्योर कि आप ये प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में ही करें और उसी की इमेज मुझे क्लिक करें, ठीक है, दो बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। येस यू विल वेरी शॉर्टली आपको स्कूल से एक प्रोजेक्ट मिलेगा, तो प्रोजेक्ट में मैं यही चाहती हूँ कि आप इनमें से कोई 4 प्रोग्राम करके मुझे क्लिक करके भेजें, ठीक है। बट येस प्रैक्टिकल रिकॉर्ड ही पूरा अगर मुझे भेजेंगे तो वेल एंड गुड, फाइन। नहीं कर पा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो यू कैन राइट मी ऑन मैसेजेस ऑप्शन, अदरवाइज एनी हाउ आई एम नेक्स्ट वीक में मैं आपको ये शेयर करूँगी। एक वीक में आपको इसलिए दे रही हूँ ताकि आप खुद ट्राई करें, अगर मैं आज ही आपको शेयर करूँगी तो डेफिनेटली यू आर गोना कॉपी एंड पेस्ट, बट आप इस हफ्ते आप इसे ट्राई करें, ठीक है, लार्जेस्ट नंबर कैसे निकाल सकते हैं, थर्ड लार्जेस्ट नंबर कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है, इनमें से जो ईजी लग रहा है उसे आप ट्राई करें, डिफ़िकल्ट वाला भी ट्राई करें, एंड देन नेक्स्ट वीक में आई विल एक्सप्लेन यू मोर। Okay, so that's all for today and thank you so much for watching and please keep on practicing these practical subject, Python programming plus SQL की जो theory है अच्छे से पढ़े, क्योंकि बहुत important है। SQL जो है आपका सबसे ज़्यादा marks का है, 30 marks का है, तो please ये this is a scoring chapter, क्योंकि we are in the end of the syllabus. Okay, thank you so much and take care of your health.